नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा ब्राह्मण ने तोड़ा राजा का घमंड। एक राजा ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। जब ब्राह्मण भोजन करने आए तो राजा स्वयं ही उनके पांव धोने लगा। इस बीच एक ब्राह्मण ऐसा आया जिसके पैर मिट्टी लगने के कारण काफ़ी गंदे हो गए थे। यह देख राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अपने आप को संभालते हुए बोला कि महाराज, आपके पैर तो काफ़ी गंदे हो गए हैं। इस पर ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया और बोला, राजन, ब्राह्मण के पैर तो ऐसे ही होते हैं। इस पर राजा चुप हो गया। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया और राजा की तारीफ की। इसी बीच राजा ने पूछा कि सभी ने भरपेट खा लिया या नहीं, उसके सत्कार में कोई कमी तो नहीं रही। इस पर सभी ब्राह्मण एकमत होकर बोले, राजन, जितना आपका सत्कार अच्छा था, उतना ही स्वादिष्ट ही आपके द्वारा कराया गया भोजन भी था। राजा देख रहा था सभी उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन गंदे पांव वाला ब्राह्मण कुछ नहीं बोल रहा। इस पर राजा को एक युक्ति सूझी और उसने कहा कि जो ब्राह्मण अभी भी एक लड्डू खाएगा, उसे एक सोने की असरफी दी जाएगी। यह सुनते ही सभी ब्राह्मणों ने एक एक लड्डू तुरंत खा लिया, लेकिन गंदे पैर वाले ब्राह्मण ने लड्डू नहीं खाया। इस पर राजा ने कहा कि जो ब्राह्मण दो लड्डू खाएंगे, उन्हें सोने की दो दो असरफियाँ पुरस्कार में दी जाएगी। इतना सुनना था कि ब्राह्मणों दो लड्डू भी खा लिए। इस बार भी गंदे पांव वाला ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया। ऐसे करते करते राजा ने 20 लड्डुओं को खाने की बात कहकर 20 असरफियों तक का लालच दिया, लेकिन गंदे पांव वाले ब्राह्मण ने एक बार भी लड्डू नहीं खाया। इस पर राजा ने उस ब्राह्मण से लड्डू न लेने का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ब्राह्मण धर्म तो संतोष रखना सिखाता है। जिसका उन्होंने पूर्ण पालन किया, उन्हें जितनी भूख थी उन्होंने उतना ही खाया। ऐसा नहीं कि असरफियों के लोभ में फंसकर वे अधिक लड्डू खाएं। ऐसा करने से वे स्वयं के साथ तो गलत करते ही धर्म को धोखा देते। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। कहा, महाराज, मैं आपके गंदे पैरों को देखकर आपका उपहास करने पर तुला था, लेकिन आपने तो उल्टा मेरी ही आंखें खोल दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।